हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिकांश क्लासेस। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कैथरीन थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर अपेयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैथरीन ने एक डाइस को 40 टाइम्स मतलब 40 बार उसे फेंका और जो भी नंबर उसमें आया उसे टेबल में नोट कर लिया। तो यहाँ पर नीचे ये टेबल दी हुई है जिसमें 40 टाइम्स डाइस में जो भी नंबर आए हैं वो सारे नंबर इसमें लिखे हुए हैं। आगे लिखा हुआ है मेक अ टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स। तो हमें इन नंबर से एक टेबल बनानी है और उसके डाटा को टैली मार्क्स की यूज से उसमें एंटर करना है। तो देखिये, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने तीन कॉलम दिए हैं। पहले में नंबर ऑन डाइस यानी डाइस में जो भी नंबर आएगा 1, 2, 3, 4 वो नंबर यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर टैली मार्क्स मतलब वो नंबर कितनी बार आ रहा है उसे हमें टैली मार्क्स के फॉर्मेट में यहाँ पर लिखना है और नंबर ऑफ टाइम्स मतलब उसी नंबर को न्यूमेरिकल नंबर में यहाँ पर लिख देना है। तो सबसे पहले पहला नंबर देखते हैं कितनी बार आया है। वन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए, वन नंबर 7 टाइम आया है, इसे हमें टैली मार्क्स में नोट करना है। 1, 2, 3, 4, 5 को हमें ऐसे बनाना है, 6, 7 और यहां पर हम लिखेंगे 7 न्यूमेरिकल में। अब देखते हैं नंबर 2 यानी 2 नंबर कितनी बार डाइस में आया है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये 6 टाइम आया है, यहां पर हम बनाएंगे टैली मार्क्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और न्यूमेरिकल में 6 बनाना है। नंबर 3 देखते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 फाइव टाइम आया ये, तो यहां पर हमें बनाना है 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पर 5। अब देखते हैं 4 नंबर 1, 2, 3, 4 और 4 नंबर 4 टाइम ही आया है, तो यहां पर हम टैली मार्क्स बनाएंगे 1, 2, 3, 4 ठीक है और यहां पर लिखेंगे 4। अब देखते हैं 5 नंबर, तो 5 नंबर कितनी बार आया है। 5 नंबर आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 यह है 11 टाइम। तो देखो, यहां पर हमें बनाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ठीक है। तो यहां पर भी हम बनाएंगे 11, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये टैली मार्क नहीं है ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब देखते हैं 6 नंबर डाइस में कितनी बार आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये नंबर भी 7 बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। तो ये तो बना दी हमने टेबल जिसमें हमने टैली मार्क का यूज करके नंबर्स को लिखा है। तो अब इसमें आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। फाइंड द नंबर दैट अपेयर्ड, पॉइंट ए में दिया है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब वो नंबर बताना है जो सबसे कम बार हमें यहां पर दिखाई दिया है। तो हम देखेंगे 7, 6, 5, 4, 11 और 7, तो मतलब 4 नंबर सबसे कम बार आया है और 4 नंबर में कौन सा नंबर है, तो 4 नंबर ही है। हमें इसे लिखना कैसे है, ए पॉइंट में 4 अपेयर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ये हमें लिखना है 4 अपेयर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। पॉइंट बी में दिया हुआ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो देखिए मैक्सिमम नंबर यहां पर जो आया है वो है 11 और ये कौन से नंबर पे आया है, ये 5 नंबर पर आया है। तो यहां पर हम लिखेंगे बी पॉइंट में 5 अपेयर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अब लास्ट पॉइंट सी दिया हुआ है, फाइंड दोज नंबर दैट अपेयर्ड एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है जो कि इक्वल टाइम्स आया है, मतलब एक जैसा नंबर दो बार आया है। तो देखते हैं यहां पर 7, 6, 5, 4, 11 और 7, मतलब 7 नंबर दो बार आया है, 7 बार दो नंबर्स आए हैं। कौन कौन से हैं, एक तो 1 नंबर 7 टाइम आया है और एक 6 नंबर 7 टाइम आया है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 एंड 6 अपेयर्ड इक्वल नंबर ऑफ टाइम, नंबर 1 एंड 6 अपेयर्ड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें और आपकी बुक के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। हैव ए गुड डे, जय श्री राम।